हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिलेट जनरेट फाइल्स के बारे में कि एफसीपी में रेंडर फाइल्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। यह हमारा एफसीपी 10 है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये आपके पास में कुछ फाइल्स हैं, ये देखिए, ये कुछ फेडिंग्स की फाइल हमारे पास में ये लगी हुई है इस टाइप से। टाइमलाइन वन पे 1x1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से टाइमलाइन पे ये चीज़ें सेट हो रखी हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम जैसे फाइल पे जाएंगे, ये फाइल ऑप्शन है। फाइल पे जाने के बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आता है, ये डिलीट जनरेट्स इवेंट फाइल्स। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये आपसे पूछता है कि डिलीट रेंडर फाइल्स या इवेंट्स फाइल्स। कई बार होता क्या है कि आपके पास में जो फाइल्स होती हैं या जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या है, स्पेस की वजह से वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली रेंडर नहीं हो पाता या कोई भी प्रॉब्लम शो करता है। तो उसके लिए ये डिलीट जनरेटेड इवेंट्स फाइल का यूज़ दिया गया है कि आप इस टाइप से अपने कंप्यूटर में स्पेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये वाला, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि डिलीट रेंडर्स फाइल। ये आपको बता रहा है अनयूज्ड फाइल के बारे में कि आपने अनयूज्ड फाइल को रिमूव करना है या ऑल फाइल्स को। अगर आप ऑल फाइल्स कर देते हैं तो सारी जितनी भी रेंडर्स फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में ये आपको बताता है डिलीट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया, यानी कि जो मीडिया आपने सोर्स फाइल रखी हुई है उसको भी ये यहाँ से रिमूव कर देगा। यानी कि हम जैसे जाते हैं फाइंडर में, और फाइंडर में यहाँ पे जाके हम देखते हैं ये वीडियो क्लिप्स हमारे पास में ये वाले, ये इस टाइप से वीडियो क्लिप हमारे पास में रखे हुए हैं। अगर इन वीडियो क्लिप को भी हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी ऑटोमेटिक ये डिलीट ऑप्टिमाइज मीडिया को भी ये यहाँ से डिलीट कर देगा। ऑल पे हम क्लिक कर देते हैं फिलहाल, और इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखिए, जब हमने ओके किया तो जितनी भी अनयूज्ड फाइल हैं वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी हैं, और ऑलरेडी आपकी टाइमलाइन स्मूथली चलने लग गई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका डिलीट जनरेट्स इवेंट्स फाइल का यूज। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ें और कुछ और नई जानकारियों के बारे में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे अपने चैनल को।